नमस्ते फ्रेंड्स, जेन्युइन इंजीनियर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली जितने भी वीडियोस हैं उनको रिस्पांस देख के काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स, इसीलिए क्या है कि मैं कंटिन्यूस जो सीएनसी प्रोग्रामिंग की सीरीज है वो हम आगे लेते जा रहे हैं। वो टॉपिक वाइज में सारी चीज़ बताया जा रहा हूँ जो कि इंटरव्यू पर्पज से इंटरव्यू बेस से काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम टॉपिक 13 के अंदर आइए, जिसके अंदर आप फेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। फेसिंग का मतलब होता है, फेसिंग के लिए अगर आपसे कोई पूछे थ्योरी के अंदर इंटरव्यू के अंदर, तो आप बोल सकते हो फेसिंग इज यूजफुल टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ एनी वर्क पीस। किसी भी वर्क पीस की लंबाई को कम करने के लिए हम फेसिंग का यूज़ करते हैं, और वो हम इसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी जो पार्ट है इन दोनों में कैसा डिफरेंस है। ऑपरेशन से पहले वाला ये है और ऑपरेशन के बाद वाला ये है। ऑपरेशन से पहले जो वर्क पीस है इसका डाया है 70 का और इसकी लेंथ होगी 100 की। अब जो ऑपरेशन बनने के बाद में जो पीस हमारा बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसमें क्या दोनों में डिफरेंस अगर आ रहा, देखो दोनों का डाया तो सेम है, ये भी 70 और ये भी 70, डाया दोनों का सेम है, बट इनकी लंबाई में आपको अंतर नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये हो गया आपके 100 का और ये हो गया आपके 97 का। तो 97 का ये यहाँ से लिखिए आप 97 है, तो आपको पता चल गया होगा इस दोनों की लंबाई में कितना डिफरेंस है। ये 100 और ये 97 है, 100 में से 97 गए तो बचे 3 mm। तो हमको 3 mm की फेसिंग करनी है, 3 mm हमको फेसिंग करनी है। एक एक करके हम कटिंग करेंगे, एक एक mm हम काटते जाएंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा की तरह जो ये वर्क पीस है, मैं यहाँ पे एक प्लेन बना लेता हूँ। प्लेन वही जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, ये जेड प्लस हो गया और इस तरफ हो गया हमारा जेड माइनस, ऊपर हो गया एक्स प्लस, नीचे हो गया हमारा एक्स माइनस, और बीच में ही हो गया हमारा सेंटर पॉइंट जो कि जीरो है। तो जीरो से इस तरफ सारी चीज प्लस में है और इस तरफ सारी चीज माइनस में, ऊपर सारी प्लस में, नीचे सारी माइनस में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस वन प्लस टू, तो अंदर होगा माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे प्लस थ्री तो यहाँ पे माइनस थ्री, इस तरह से। तो मैंने 3 mm तक ही इसमें मैंने वैल्यूज दी है, क्योंकि हमको 3 mm ही कटिंग करना है इसलिए। तो सबसे पहले हम अगर 1 mm काटेंगे तो सबसे पहले टूल 1 mm को काटेगा, फिर 2 mm, फिर 3 mm, तीसरा mm काटेगा। तो एक एक करके जो टूल है वो कटिंग करता जाएगा। तो इसके अंदर बात ये आती है कि टूल कटिंग करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि स्ट्रेट टर्निंग के अंदर तो क्या डाय रिड्यूस होता है, तो टूल यहाँ से काटता है सामने से, इस तरह से ये टर्निंग में काटता है, इस तरह से काटता है, तभी हमारा डाया जो है वो ऐसे डाया से ऐसा हो जाता है। लेकिन हमको इसी डाया को आधा बनाना है, इतना ये। अगर मैं इसको ऊपर से काटूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इसीलिए टूल इसमें कटिंग जो करेगा तो वो ऊपर से कटिंग करेगा। तो इसकी पोजीशन हमको कहां देनी पड़ेगी, ऊपर देनी पड़ेगी। तो इसी के लिए सबसे पहले पोजीशन देंगे। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ लाइन को, ये हमारी लाइन है ये है। तो टूल को हमको यहाँ रोकना पड़ेगा, क्योंकि 70 पे लाके अगर मैं रुकूँ तो टूल टकरा जाएगा, इसलिए मेरे को 71 पे रोकना पड़ेगा। तो जब भी टूल हमारा कटिंग करना आता है तो कैसे आता है, रैपिड में G00 टूल फास्ट आएगा X, कहाँ पे रोकूँ 71 पे और Z-1.0। इस Z-1 का मतलब ये नहीं कि टूल डायरेक्ट अंदर चला गया, टूल अंदर तो गया है लेकिन वो प्रोफाइल से ऊपर है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 70 कर दूँ, ये 70 कर दूँ, तो टूल यहाँ पे टकरा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता 69 तो एक्सीडेंट हो सकता था, 68, 67, 65, 66 करता तो काफ़ी तगड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन इसमें एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसमें टूल को मैंने ऊपर ही रोक दिया है 71 पे मैंने इसको पोजीशन दे दी है, और कहाँ पे लाके दी इसको डायरेक्ट यहाँ पे। तो टूल बना दिया मैंने, ये टूल हमारा है और ये हमारा टूल का पॉइंट है, ये इंसर्ट का पॉइंट है, ये ऐसे कटिंग करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने जो पोजीशन दी G00 X71.0 Z-1.0, यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, केवल पोजीशन दी है। अब हम कटिंग करेंगे। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियोस उसमें बताया था, G01 के अंदर टूल ऐसे भी कटिंग करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है और ऐसे भी करता है। तो अब हम जो टूल की कटिंग करेंगे, हमको अपसेट डाउन की ओर चलना है। तो हम इसके लिए टूल की कटिंग के लिए हम लगाएंगे G01,
G01 से हमारा टूल कटिंग करेगा और डाउन साइड में आएगा कटिंग करने के लिए। लेकिन डाउन साइड में कैसा आएगा वो चीज़ यहाँ पे हम XT1 में देखेंगे। टूल को अगर मेरे को यहाँ पे रोकना होता है तो मैं 69 करूँगा, यहाँ के लिए 68, यहाँ के लिए 67, 66, 65, ऐसे करते करते मुझे यहाँ तक तो कटिंग करनी ही है, मेरे को कटिंग करनी पूरी यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये पूरी फेस को हटाना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे टूल को अगर लाऊंगा तो ये प्रॉपर तरीके से कटिंग कर देगा। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि ये हमारा एक्सिस होती है हमारी ये, जिसमें ये 0 एक्सिस होगी और ये मान लो आप 70, ये 69, ये 68, 67। तो टूल को अगर मैं 68 पे लाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो इसको मेरे को यहाँ तक लाना है ताकि ये जो मेटल है आगेगा सारा क्या हो जाए रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा X0.0 Z-1.0 और यहाँ पे कर दी मैंने फीड 0.1। तो जो टूल कटिंग करता हुआ आएगा तो यहाँ से कटिंग करेगा। अब जो कि राउंड पीस है, राउंड पीस है तो ऊपर से भी कटेगा और नीचे से भी कटेगा। जब हमारा राउंड पीस होता है जैसे ये है हमारा, तो जब हम कटिंग करते हैं तो ये ऐसे कटिंग करेगा, ऊपर से कटेगा तो नीचे से भी कटेगा, गोल गोल घूमता है। तो टूल हमारा कटिंग करता हुआ यहाँ तक आएगा तो ये पूरा एक राउंड ले लेगा जो, तो सेंटर पे आते आते पूरा कटिंग करेगा। टूल अगर यहाँ तक कटिंग करेगा तो ये कटेगा ऊपर से, पूरी गए नीचे से, ये कहाँ तक कटिंग करेगी गए नीचे, यहाँ तक आएगा तो अभी का पूरा फेस यहाँ पे साफ हो गया। अभी हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हुआ है, टूल को वापिस हमको बैक लेना है। तो बैक लेने के लिए करोगे G00X, कहाँ पे ले लो वापिस, ऊपर ले लो 71 पे, क्यों, क्योंकि हमको पोजिशन आगे और देनी, इसलिए तो हम लिख देंगे X71.0। टूल को हम अगर बाहर लिख रहे तो काफ़ी सही रहेगा ताकि टूल है काफ़ी दूर होता हुआ बैक जाए, तो यहाँ से हम कर देंगे Z1.0। तो टूल हमारा यहाँ से चल गया, यहाँ पे आ गया ऐसे, यहाँ पे खड़ा हो गया ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कटिंग है ये पहले एक एम की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी नेक्स्ट पोर्शन देंगे, यहाँ से लेके हम इसकी नेक्स्ट पोर्शन देंगे तो हम काटेंगे -2 को। -2 के लिए हम पोर्शन देंगे तो यहाँ टूल को ला के रोक दो ऐसे, ऐसे हम टूल को ला के रोकेंगे तो यहाँ पर रोक दो G00X71.0Z-2.0 टूल यहाँ पे आ गया ऐसे। अब टूल की कटिंग करनी है, कटिंग करने के लिए वही प्रोसेस G01 नीचे लाने के लिए 0.0Z-2.0। तो यहाँ पे भी टूल क्या करेगा, यहाँ से ऐसे कटिंग कर देगा, ऊपर से गया तो नीचे से भी कटिंग कर देगा राउंड पीसेज लिए। तो ये दोनों की कटिंग हो चुकी है। जो हेडर है हमारा वो तो सेम है, हम प्रोग्राम कैंसिलेशन कमांड प्रोग्राम एक नंबर में डाला हुआ है, वो पोजीशन टूल 4 नंबर का, ये सारा हमारा सेम है। तो इसके अंदर हम अब इसमें जो हमने पोजीशन दी फ्रेंड्स, ये पोजीशन में आपके पूरी टोटली लेंथ रिमूव हो रही है। तो लेंथ रिमूव होने के साथ ही इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्निंग में और फेसिंग में कितना डिफरेंस है वो चीज़। इससे आगे की जो नेक्स्ट प्रोग्राम है मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे ये कटिंग कर दी इसने और यहाँ पे G00 फास्ट ले जाओ टूल को 71.0Z1.0 वापिस टूल कटिंग करके कहाँ आएगा, या फिर यहाँ से देखा गया इस तरह से। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। ये अभी हमारा जो है वो कट चुका है 2 mm और 3 mm हमारा बचा हुआ है। तो टूल की पोजीशन हमको सबसे पहले टूल अभी यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ खड़ा था तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे प्लस में, ये प्लस में आ चुका है और इसकी पोजीशन कहाँ तो -3 पे। तो G00 अभी एयर में हवा में हम दे सकते हैं, ये हमारे Z-3.0 टूल यहाँ पे आके खड़ा हो गया था। अब क्या करना है, 3-2 जो हमारा -3 पर आया कटिंग कर दो इसकी, कटिंग से उसी तरह से करेंगे G01X-X0.0Z-3.0 और यहाँ पे जो टूल है हमारा ये इस तरह से कटिंग कर दी इसने, ऊपर का भी खत्म और नीचे का भी खत्म। अब हमारी जो टोटल लेंथ है, अगर इस लेंथ को आप मेजर करते हो तो ये आपकी 97 मेजर हो जाएगी 1 ईयर से। तो इसको आप होम क्वेश्चन कर दो G28U0.0W0.0
M05, M09 और M30। तो ये हमारी वीडियो हो गई, इसके अंदर मैंने आपको ये चीज बताई। अब आपको इसकी जो डीपली चीज है वो बताता हूँ। ये जो X0.0 है, इस X0.0 को अगर आप प्रोग्राम के अंदर लिखोगे तो ये जो हमारा जो जॉब है इसके आगे पॉइंट छूटेगा, इतना उल्टा ये पॉइंट छूटेगा। ये पॉइंट क्यों छूटेगा मैं आपको बताता हूं, इसका रीजन है, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसका रीजन क्या है फ्रेंड, जैसे ये हमारा जॉब है, इस जॉब पे मैं इस तरह से ये मैंने एक लाइन बना दी, जो टूल है हमारा वो इस तरह से होता है। इस टूल पे इंसर्ट होती है, ये इंसर्ट होगी, इस इंसर्ट का जो ये कोना है इस पे रेडियस होती है, इसकी जगह मैं -1.0 कर देता हूं तो ये पॉइंट नहीं छूटेगा जो कि यहाँ पे छूट रहा है। वो किस वजह छूटता है, टूल जब कटिंग करना आता है तो इस पे क्या है, सिंगल पॉइंट टूल है तो इस पे दो पॉइंट होते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। जब टूल को मैं यहाँ पे पहुंचा था जीरो पे तभी काटता हुआ यहाँ तक आएगा, इसे यहाँ तक आएगा तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। जबकि ऊपर कटिंग हुई है तो नीचे भी कटिंग होगी, अगर यहाँ पे टूल कटिंग करता हुआ आता है तो इसकी नो रेडियस की वजह से यहाँ पे मेटल छूट जाता है, और अगर मेटल ऊपर छूटा हुआ है तो ऑब्वियसली अगर ऊपर मेटल छूटा तो नीचे भी मेटल छूटा हुआ होगा, इसीलिए जो पॉइंट होता है हमारा वो काफ़ी बड़ा नज़र आता है जॉब के ऊपर। तो अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये प्लस वन प्लस टू हो गया, इधर अंदर -2 -3 हो गया, अंदर -2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। इस पॉइंट को अगर मैं -1 तक ले आऊं, एक्स की पोजीशन अगर -1 है तो टूल ऐसे आ जाएगा, जब टूल यहाँ पे से आता है तो ये रगड़ता हुआ आता है और रगड़ता हुआ आएगा तो इसको फिनिश कर देगा। इसी तरह से हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो X-1.0 कर देंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा जॉब क्रिएट हो जाए और उसमें दिक्कत ना आए और फिनिशिंग के साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डीपली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है, सो इसके अंदर आपको अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, और जो मेरी आने वाली जो और भी जो वीडियोस है तो आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी मेरी वीडियोस है वो कंटिन्यू अवेलेबल रहे, क्योंकि जो वीडियोस है काफ़ी स्पीड से मैं डालता जा रहा हूँ, पोस्ट करता जा रहा हूँ। सो अभी जो हमारी सीरीज है CNC सीरीज काफ़ी आगे तक जाने वाली है, सो जुड़े रहे चैनल के साथ जेएनएस अकेडमी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।